भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप? आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांबा से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग सुनाएंगे। इस कथा का संबंध पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित सूर्य मंदिर से भी जुड़ा है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में इस बात का उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। भगवान श्री कृष्ण के 8 रानियां थी, जिनमें से एक निषादराज जामवंत की पुत्री जामवंती थी। जामवंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक है जो रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित थे। ग्रंथों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लिया, तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। देखने में वह इतना आकर्षक था कि कृष्ण की कई छोटी रानियां उसके प्रति आकृष्ट रहती थी। एक दिन कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर सांबा को आलिंगन में भर लिया। उसी समय कृष्ण ने ऐसा करते हुए देख लिया। क्रोधित होते हुए कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों को अपहरण कर ले जाने का श्राप दिया। पुराण में वर्णित है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। उसी दिन के बाद से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में ख्याति मिली है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। मंदिर का इतिहास। चीन के रहने वाले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु शुयांग ज़ेंग, जो भारत में बौद्ध धर्मग्रंथ पढ़ने आए थे, उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों का विचरण कर वहां के इतिहास को जानने का प्रयास किया। ज़ेंग ने कई ऐसे स्थानों और धार्मिक स्थलों के प्रति भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 641 ईस्वी में शुयांग ज़ेंग स्थान पर आए थे। उनका कहना था कि मंदिर में स्थित सूर्य देव की मूर्ति सोने की बनी हुई थी, जिनकी आंखों की जगह पर बहुमूल्य रूबी पत्थर लगाया गया था। सोने चांदी से बने मंदिर के खंभों पर बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। रोजाना काफी संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी इस मंदिर में पूजा करने आते थे। बौद्ध भिक्षु के अनुसार उन्होंने यहाँ देवदासियों को भी नृत्य करते देखा था। सूर्य देव के अलावा भगवान शिव और बुद्ध की मूर्ति भी इस मंदिर में विराजित थी। लेकिन समय के साथ साथ इस मंदिर का सुनहरा काल भी समाप्त होता चला गया। मुहम्मद बिन कासिम की सेना ने जब मुल्तान को अपने शासन में ले लिया, तब यही मंदिर उनकी सरकार की आय का एक बड़ा साधन साबित हुआ। कासिम ने इस मंदिर में लगे बेशकीमती पत्थर, सोने चांदी, सब कुछ वे लूट कर ले गए। मुहम्मद बिन कासिम ने इस मंदिर के साथ एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो आज के दौर में मुल्तान का सबसे भीड़भाड़ वाला इलाका है। इसके बाद कोई हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण ना कर पाए, इसके सूर्य मंदिर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दरअसल जो भी हिंदू शासक मुल्तान की ओर आक्रमण करने बढ़ता था, कासिम उसे यह धमकी देता था कि अगर वह मुल्तान पर आक्रमण करते हैं तो कासिम सूर्य मंदिर को तबाह कर देगा। 10वीं शताब्दी में जब अलबरूना मुल्तान ने दौरे पर गए थे, तब उन्होंने इस मंदिर का पूरा ब्यौरा दिया। उनके अनुसार 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ डाला था। बरुना के अनुसार 11वीं शताब्दी में कोई भी हिंदू अनुयायी इस मंदिर के दर्शन करने नहीं आ सका, क्योंकि तब तक गजनी इसे पूरी तरह तबाह कर चुका था और दोबारा कभी इस मंदिर को बनाने का प्रयास तक नहीं किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।